ठीक है चलो 18 क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो क्या बोला है, एक पहले देखो क्या बोला, ए ई सी इस वाले एंगल के बारे में कहा, ठीक है हाफ, यानी कि प्रूफ क्या करना है, एंगल हाफ हाफ एंगल सबटेंड बाय आर्क सी एक्स से, तो सी एक्स से ई वाला आर्क जो है ना कितना सबटेंड कर रहा है, तो इसको सबटेंड तो इतना ही कर रहा है, तो इसको लिख सकते हो ए ओ सी प्लस प्लस एंगल सबटेंड बाय डी वाई बी, तो डी वाई बी ई वाला आर्क है तो ये कितना सबटेंड कर रहा है, देखो तो ये वाला, और ये कितना है बी ओ डी, बोलो है, यानी हमको प्रूफ करना है कि इतना बड़ा और इतना आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ज्वाइन करेंगे कि हमको ये दिया है तो इसके लिए हमको ये वाला ज्वाइन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, और हमको जब ये वाला दिया तो ये वाला ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर हमको ये वाला ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है, आगे बता देंगे, ठीक है अब ध्यान देते हैं। तो पहले लिख दे ज्वाइन करना है, कौन कौन ज्वाइन कर दो, ए टू सी, फिर ए टू डी, और उसके बाद बी टू डी, बोलो सही है। अब जैसे ज्वाइन करेंगे तो ध्यान देना, तुमसे पूछते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला तो ये जो कॉर्ड है ना, यहाँ से गया ये ऐसे और यहाँ से गया ये ऐसे, तो ये जो एंगल मिलेगा इसका हाफ मिलेगा कि नहीं, यस और नो, इस सर्कमफेरेंस पर कहाँ का सेंटर का, तो ई वाला एंगल है कितना, तो बी ए डी, कौन सा है बी ए डी, कितना मिलेगा हाफ ऑफ बी ओ डी, इक्वेशन नंबर वन, बोलो सही है। अब चलते हैं इसको पर, तो ई वाला से चलेंगे तो ये वाला सेंटर पर, बोलो अरे बोलो, ई वाला सेंटर पर आ गया, यही से जब चलेंगे तो ई वाला ऐसे आवेगा, बोलो कौन सा एंगल, ये वाला पूरा, यस और नो, तो बताओ ए डी सी ये जो होगा ए ओ सी का हाफ होगा, तो लिख दे कि ए डी सी हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, इक्वेशन नंबर टू, दोनों को जोड़ दो, दोनों क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जैसे ही जोड़ेंगे तो बताओ बी ए डी प्लस ए डी सी हाफ ऑफ, ठीक है ना, बी ए डी और ए डी सी हाफ ऑफ कितना बी ओ डी और ए ओ सी, बोलो कोई दिक्कत है। अब ध्यान देना एक बात, अब यहाँ से थोड़ा सा मिटाएं, नहीं मिटाते, एक और फिगर ड्रॉ करते हैं ज़्यादा बेटर है, देखो बहुत दिमाग खराब करता है जी, हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं ना, ध्यान देना, हाँ मच्छर, ये नीचे में हो गया और एक ऐसे खींचे हैं और ये ऐसे खींचा है और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे और ये वाला ऐसे, ऐसी है देखो नाम बताते हैं, नाम लिख देना बेटर है, ये ए है और ये बी, ए बी है और ये डी है, ठीक है बात समझ रहा है, इतना और ई वाला पॉइंट तुम्हारा ई था, बड़ा करें पॉइंट ई था, इस तरह जब देखेंगे तो ऊपर में तुमको दिखेगा सी और यहाँ दिखेगा ओ, बोलो सही है। अगर हम ई वाला ट्रायंगल में चले बाबू, ये वाला में, ठीक है, तो इन दोनों का सम जो होगा से तुमको ई वाला होगा कि नहीं, बोलो सम ऑफ इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल, तो ई वाला है कितना, तो ई वाला है कितना बी ए डी प्लस ए डी ई, ए डी ई, ई ना है ई तक ना, और इसी को कोई चाहेगा तो ई तक ना छोड़ करके सी तक पहुंचा दे, लाइन तो वही रहेगा, तो अगर हम इसको ए डी सी कर देते तो ये कितना मिल जाता, ए ई सी मिलता, कैसे सम ऑफ इंटरनल बराबर कितना एक्सटर्नल। अब तुम इसको छोटा करके देखो तो जरा कि ये जो हम स्टेटमेंट लिखे हैं कौन सा बी ए डी या तो बी ए डी और प्लस ए डी सी,
प्लस ए डी सी किसके बराबर आया, ए ई सी के बराबर आया ना। तो जैसे हम अगर वहां पर लिखे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये वाला ए ई सी आर ये कितना आ गया, हाफ ऑफ बी ओ डी और प्लस में ए ओ सी, प्रूफ। ठीक है, तो ध्यान देना एक बार आओ, हमको पता है कि दिक्कत हो रही है, तो एक बार आओ यहाँ से देख लो, वो सब क्लियर है, यहाँ से क्लियर नहीं है, खाली उधर तो क्लियर दोनों इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पर कहे कि एक ट्रायंगल जब हमारा बना, ये ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल बना तो ये वाला और ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बोलो। और इसको लिखने के लिए बी ए डी लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए ए डी सी लिख सकते हैं बोलो, यस और नो। और इसको लिखने के लिए ई वाला को, ऊपर वाला को ए ई और ऊपर में सी बोलो, होगा। तो इन दोनों को जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, और जब लास्ट में देखो तो मेरा आया कितना है, यही ना आया है बी ए डी और ए डी सी, इसके ऊपर क्या लिख देंगे ए ई सी। तो वहां पर वो जो बनाया ना उसको इक्वेशन मान लेना, और इक्वेशन कहना कि बाई इक्वेशन इतना से आया। ए डी ई यहीं तक है और सी यहाँ तक है, लाइन तुम इतना खींचो या लाइन इतना खींच दो, कोई दिक्कत है, तो इसीलिए वहाँ पर लिखा गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। यही था लास्ट था 12C का, तो कल जो 12B का, अब कल स्टार्ट करेंगे 12C।